प्रिय बच्चों, समदरिया स्कूली लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुमन समदरिया स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आइए कक्षा 2 के हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हैं। इसके लेखक वेद प्रकाश आर्य हैं। इसमें कुल 16 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है भाषा। दीदी, भाषा क्या होती है? हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से बोलते हैं वह भाषा है। भाषा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते व उनकी बात समझ पाते हैं। मीरा, बेटी बाहर वर्षा हो रही है, भीतर आ जाओ। आती हूँ मम्मी। मम्मी ने मीरा को अपनी बात कही। मीरा ने मम्मी की बात सुनी और समझी। समझकर मीरा ने मम्मी की बात का उत्तर दिया। दोनों ने परस्पर अपनी बात समझी व समझाई। यह सब भाषा के माध्यम से हुआ। भाषा के द्वारा हम बात को बोलते व समझते हैं। इन चित्रों में लिखकर बात बताई गई है। सावधान, आगे मार्ग पर कार चल रहा है। मार्ग आने जाने के लिए बंद है। रेलवे स्टेशन इधर है। यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। इन बातों को सभी समझ सकते हैं। जो बात बोलकर अथवा लिखकर समझी व समझाई जाती है वह भाषा का रूप होती है। याद कीजिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत खांसी है। सदा सत्य बोलें। केले ले लो, केले। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये सभी भाषा के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत के विशाल भूभाग का पर बोली जाती है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। आसाम में आसामी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इसी प्रकार भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाएं होती हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी, उर्दू, फ्रेंच आदि। हम हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यदि भाषा ना बोली हो तो हम गूंगे बहनों की तरह व्यवहार करते हैं। भारतवर्ष की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। भाषा के रूप, जो कुछ हम किसी अभिप्राय से बोलते व लिखते हैं वह भाषा है। बोलने व लिखने के माध्यम के आधार पर भाषा दो रूपों में पाई जाती है, लिखित, मौखिक।
मौखिक भाषा, जब भाषा को मुख से बोला व कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप कहा जाता है, इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। पोस्ट कार्ड, समाचार पत्र, पुस्तक। बोलियां, कहीं कहीं किसी क्षेत्र विशेष में भाषा विशेष रीति में बोली जाती है, इसे स्थान की बोली कहते हैं। भारत में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित में हैं, जैसे ब्रज, मैथिली, अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। ये बोलियां हिंदी भाषा लोग बोलते हैं। लिपि, भाषा सार्थक ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ध्वनि को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है जिसे विशेष नाम दिया गया है। संस्कृत व हिंदी जिन लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फ्रांसी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब भाषा को मुख से बोला व कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा जो कुछ लिखा व पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ख, उपरोक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश के द्वारा हम बातें करते हैं, बोलते व समझते हैं। यह होगा लिपि और भाषा, इसका सही आंसर भाषा। हिंदी हमारी देश है, बोली मातृभाषा, मातृभाषा। देश हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चौथा है, हमारे देश में अनेक देश बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ग, सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत लगाइए। हिंदी समस्त भाषा भारत में बोली व समझी जाती है। गलत, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। सही। तीसरा है, हम अपने विचार बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं। सही। मुख से बोलने में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। गलत, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। इनमें से भाषा का रूप नहीं है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इसका उत्तर सांकेतिक भाषा। दूसरा, पुस्तकों में भाषा का जो रूप प्रयोग किया जाता है वह सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इसका सही उत्तर लिखित भाषा। तीसरा, बिहार में बोली जाती है कश्मीरी, बंगला, हिंदी।
बिहार में हिंदी बोली जाती है। चौथा, हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, हिंदी, देवनागरी। देवनागरी अंगा, इन चित्रों से भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है या मौखिक। लिखिए बच्चों, पहला होगा मौखिक, जो बच्चा पढ़ रहा है इसमें लिखित, इसमें मौखिक और लिखित। इसको पूरा आप अपने कॉपियों में करके